ये लड़का तो दीवाना है। मैं तो हर बच्चे की तकदीर में विवेकानंद लिखता हूँ। जब देश मेरा गुलाम था तब मियां इकबाल ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। जब देश मेरा बीतता और आगे बढ़ा तो ये देश एक हिंदू शायर के हाथ में आया। हिंदू शायर ने इस देश के बारे में लिखा कि कल मिला वो नुमाइश में चीथड़े कपड़े पहने हुए, नाम पूछा तो बोला हिंदुस्तान हो। ये देश और जब आगे बढ़ाता हो 15 साल बाद ये देश एक मुस्लिम शायर के हाथ में पुनः आया। उस मुस्लिम शायर ने इस देश के बारे में लिखा कि मुफलती ये भूख का उन्माद किसने लिख दिया, मेरे चेहरे पर हिंदुस्तान किसने लिख दिया। ये देश जब और आगे बढ़ाता है तो गोंडा जिला का विद्वान इस देश के बारे में लिखता है कि काजू भुने प्लेट में भिस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में भिस्की गिलास में, आया है रामराज विधायक लिबास में। जब ये देश और आगे बढ़ाता है तो इस देश के बारे में उर्मिलेश ने लिखा कि केसरिया हिंद हुआ हरा हुआ मुसलमान, केसरिया हिंद हुआ हरा हुआ मुसलमान, अरे रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। जब रंगों से ही ये पता चलने लगे कि केसरिया से तुम हिंदू हो, हरा से तुम मुसलमान हो, तब ये देश और आगे बढ़ाता है। और ऐसे मंचों पे अव्यवस्थाएं जब बढ़ने लगी तो इस देश के बारे में, इस देश के नौजवानों के बारे में तेज नारायण शर्मा ने लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। और राजनीति का मूल्य जिससे गिरा हिंदुस्तान में, जेब कतरे तक विधायक हो गए। यकीनन मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली